हे गाइस, वेलकम बैक टू एफ एन रॉक्स। हैप्पी सैटरडे टू ऑल ऑफ यू। हम स्ट्रैटेजीज के बारे में बहुत बातें करते हैं, बट एक्चुअली में अगर आपको सक्सेसफुल होना है ट्रेडिंग में, तो आपको दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हम सब ने सुना है कि 95% ऑफ द ट्रेडर्स फेल, यानी कि 95% जनता जो है वो ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं होती है। और ये सच भी है, क्योंकि हम लोग जब खुद ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पैसे लूज ज़्यादा होते हैं रादर देन मेकिंग सम मनी। हम पैसे बनाते कम है, लूज ज़्यादा करते हैं। पर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा करियर है, ट्रेडिंग एक ऐसी प्रोफेशन है जिसमें आपको अपने नेचर को काफ़ी चेंज करना पड़ता है, और वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मोस्ट ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट एबल टू चेंज देमसेल्व्स। हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। तो आज हम ऐसे दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आपके ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा फर्क आ सकता है। आपको अभी लगेगा, अच्छा ये क्या ही बोल रहे हैं, बट आप अगर इसको थोड़ा जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे या फिर आप सच में इसको मान के काम करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों ट्रेडिंग डिफिकल्ट है और कैसे हम इसको बेटर बना सकते हैं। ओके, सो हम चलते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने दो पॉइंट्स लिखा हुआ है। पहला पॉइंट होता है ओनरशिप। एज अ ह्यूमन बींग हमारी टेंडेंसी हमेशा रही है कि हम कभी भी कोई चीज़ हमारे साथ गलत हो जाता है तो हम चीज़ हर किसी और चीज़ को ब्लेम करते हैं। मेरी किस्मत ही ख़राब है, तो कोई शायद हमने ही गलती करी होगी और हम किस्मत को ब्लेम कर देते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारी भी कोई गलती हो सकती है। और 99% टाइम्स और 99% ऑफ पीपल टेंड टू डू दैट। ये एक कॉमन फितरत है हम सब की, और इसी के चलते स्टॉक मार्केट में अगर कुछ भी गलत होता है तो हम हमेशा स्टॉक मार्केट को ब्लेम करते हैं, या फिर हम किसी से टिप्स लेना पसंद करेंगे उसके बाद उसको ब्लेम करेंगे। बट वी हैव टू लर्न टू टेक ओनरशिप। हमें ओनरशिप लेना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि जो हमारे पैसे हैं हम उसको कैसे यूज़ करेंगे वो कोई और नहीं डिसाइड कर सकता। और अगर वो टिप दे रहा है, वो आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप आकर टिप ले लो मुझसे, आप खुद टिप ले रहे हो ना उससे। तो इसलिए आपको यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर डूइंग इट विद अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग कि क्या सेटअप है। अगर आप टिप ले रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए, अच्छा ये ब्रेकआउट ट्रेड दे रहा है मुझे, क्या ये सच में ब्रेकआउट पॉइंट पे है चार्ट, क्या मुझे उसका टिप की जरूरत है सच में। तो ऐसे आपको एनालाइज करना है उस चीज को, रादर देन ब्लेमिंग एनीबडी। मार्केट बहुत वास्ट है, यहाँ पे इतने सारे प्लेयर्स है, तो आपको बहुत सारी चीजें चेंज होगी ही मार्केट में और आप उसमें कुछ कर नहीं सकते। देयर विल बी चेंजेस, राइट? तो उसमें आप मार्केट को ब्लेम करके इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एनीबडी। तो मार्केट को भी ब्लेम करना छोड़ दीजिए, जस्ट फोकस ऑन यू नो इम्प्रूविंग योरसेल्फ। दूसरी चीज़ होती है डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन के बारे में हम सबको पता है कि अगर हमारे लाइफ में कोई चीज़ हमें फ्रीली अवेलेबल है जो हमारे लाइफ को चेंज कर सकता है, वो है डिसिप्लिन। बट अनफॉर्चुनेटली वो एक ऐसी चीज़ है जिसको करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। अब हम में से कितने लोग हैं जो डिसाइड करते हैं अच्छा शुगर खाना छोड़ देंगे हम, बट क्या हम कर पाते हैं? रिड्यूस कर देंगे मे बी, बट देन उसके बाद आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम वी गिव अप। मतलब थोड़े दिन करेंगे, उसके बाद में हमें लगेगा कि अच्छा छोड़ो, हम वापस चलते हैं अपने कंफर्टेबल लाइफस्टाइल में। हम डिसाइड करते हैं 10,000 स्टेप्स चलेंगे, बट हम कुछ दिन शायद स्टार्ट करें उसके बाद जाते नहीं। कितने लोग जिम के मेंबरशिप फीस पे करते हैं उसके बाद दे विल जस्ट नॉट गो। मतलब हम सबके साथ होता है किसी ना किसी फॉर्म में। तो डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ये फ्री में अवेलेबल है बट उतना ही डिफिकल्ट है। और स्टॉक मार्केट में अगर आपको नंबर वन प्रायोरिटी किसी चीज़ को देनी है, वो है डिसिप्लिन। अगर आपने डिसिप्लिन को छोड़ा तो ये समझ लो कि ट्रेडिंग करियर खत्म हो जाएगा वेरी सून, टुडे और टुमारो। अब डिसिप्लिन में आपको करना क्या, आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल लाना है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोगों को सब कुछ ट्राई करना होता है, तो हम कभी एक सेटअप में तो टिक ही नहीं सकते। और ये सिर्फ आपकी बात नहीं है, मैं भी ये सब कुछ कर चुकी हूँ। तो कभी हम ऑप्शन बाइंग करेंगे, कभी हम ऑप्शन सेलिंग करेंगे, कभी हम स्ट्रेटजीज में काम करेंगे, कभी हम RSI पे काम करेंगे, कभी हम MACD पे काम करेंगे, कभी हम ब्रेकआउट पे काम करेंगे। ऐसे नहीं होता है, बिकॉज हर चीज़ में फिर आपको मिक्सड रिजल्ट मिलेगा और आप कभी इन डेप्थ सोचोगे ही नहीं कि क्या गलत हो रहा है, और आप कभी उस चीज़ को सुधारने की कोशिश ही नहीं करोगे। आप इनफ स्कोप ही नहीं दोगे उस स्ट्रेटजी को काम करने का। अगर आप किसी चीज में 100 ट्रेड ले लेते हो तो आपको पता चलेगा ना कि उसका सक्सेस रेट एक्चुअली क्या है। अब आप 5 ट्रेड में 10 ट्रेड में नहीं डिफाइन कर सकते उस चीज को, बिकॉज मार्केट कंडीशंस डिफर, और आप अपने आप को डेवलप भी नहीं कर पाओगे। और यही एक रीजन है, बिकॉज आप कंफर्टेबल नहीं होगे उस चीज से, क्योंकि आपने उस स्ट्रेटजी को ट्राई ही नहीं किया फॉर इनफ लॉन्ग इनफ टाइम, तो आप उस पर डर ही रह जाएगा आपके मन में। अगर आप कोई चीज़ डेली करते जाते हो, वो आपके लिए ईजी बन जाता है, और जब वो आपके लिए ईजी बन जाता है, आपके दिमाग से डर वगैरह हट जाता है, तो यू बिकम मोर लाइक अ रोबोट। आपको पता है कि अच्छा ये मुझे करना है तो ये करना, ब्रश करना, आप चाहते हो
पेस्ट निकालते हो, ब्रश निकालते हो, उस पे लगाते हो, आपको पता है कि इट्स लाइक एन ऑटो पायलट, आपको ऑटो पायलट पे काम होता है. तो जैसे ही आप गए, आपने ब्रश निकाला, फिर पेस्ट लगाया, तो एंड देन यू ब्रश योर टीथ, आपको कोई चीज़ उसके लिए यू नो याद नहीं करना पड़ती. इट्स लाइक प्रोग्रामिंग हो रखी है आपके अंदर. तो ट्रेडिंग शुड ऑल्सो बिकम लाइक दैट, बट उसके लिए आपको सेम चीज़ डेली करनी पड़ेगी. आप डेली जब सेम चीज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके अंदर आ जाएगी कि मुझे ऐसे ही करना है, और फिर धीरे धीरे आप उसमें इम्प्रोवाइजेशन लाके यू कैन बिकम अ प्रो. लाइक एक ही चीज करो ना, ब्रेकआउट ट्रेडिंग करो, सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेडिंग करो. आप स्ट्रेटजीज करो, डेबिट स्प्रेड्स करो, तो एक ही चीज पे डेबिट स्प्रेड्स बनाओ. तो दिस इज हाउ यू प्ले इट आउट, और उसी चीज से आपके फियर और ग्रीड पे भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल आ जाएगा, बिकॉज यू विल बिकम सो फेमिलियर विद द स्ट्रेटजी. आप इतने फेमिलियर हो जाओगे स्ट्रेटजी से तो आपको डर वगैरह भी खत्म हो जाएगा. सो गाइज, यही थे मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर टुडे. ट्राई दिस आउट. आप इसको ऐसे ज्ञान की मात्र मत लेना, सोचना इसके बारे में कि ये क्या चेंज कर सकते हैं. इसको ट्राई करके देखो, और कंसिस्टेंटली ट्राई करके देखो, एंड यू विल सी द गेम चेंज फॉर यू. थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग, एंड हैव अ गुड वन.